तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षांत त्रिपाठी और आप सब देख रहे हैं टेक्निकल दीक्षांत यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का जो मैच T10 का मैच होने वाला है FCT वर्सेस MTV के बीच में। दोस्तों, कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इसके बारे में टीम हमें बताइए, क्योंकि यार आज का जो पहला मैच ये होने वाला है, ये इनका पहला मैच है और इसके बारे में रिकॉर्ड्स किसी को नहीं पता है। तो गाइस, इस मैच में हम आपको पूरा फुल रिकॉर्ड्स हर एक प्लेयर्स के बारे में बताएंगे, ताकि दोस्तों आपको जो है टीम क्रिएट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो के भावनाओं में खो जाओ, वीडियो को आप लोग अभी से लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हो हमें, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रखी है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, जो ये मैच होने वाला है KIEL का मैच जो है, ये T10 मुकाबला कहाँ पर खेला जाएगा। तो दोस्तों, ये मैच KIEL क्रिकेट ग्राउंड KEIL में खेला जाएगा। और दोस्तों, जैसे ही इसके ऊपर हम लोग क्रिएट टीम के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हम लोग पहुंच जाते हैं इस वाले होम पेज पे। दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले हम लोग पिच कंडीशंस के बारे में, पिच रिपोर्ट्स क्या कहती है। तो दोस्तों, ये जो पिच होने वाली बैलेंस पिच होने वाली, यानी कि जो पिच होगी दोस्तों, यहाँ पे आपको बैटिंग और बॉल दोनों से ही बराबर मुकाबला आपको टक्कर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर दोस्तों बात करते हैं एवरेज स्कोर की, तो इस पिच पे एवरेज स्कोर लगभग 75 रन से लेकर के 80 रन का स्कोर इस पिच पे एवरेज स्कोर माना जाता है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक एक प्लेयर्स के बारे में, रिकॉर्ड्स के, ताकि दोस्तों आपको जो है कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ए जबर खेल का, अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों इन्होंने अब तक 9 मैच खेले हैं। कितने मैच खेले हैं? 9 मैच खेले हैं, जिसमें से अब तक इन्होंने 120 रन जो है बनाए हैं। अब वहीं अगर बात करते हैं गाइस हाईएस्ट विकेट हाईएस्ट रन की, तो यहाँ पे 32 रन का स्कोर इनका हाईएस्ट स्कोर अब तक का रहा है। इसके साथ दोस्तों इन्होंने 6 विकेट भी अपने कैरियर में लिए हुए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 9 मैच में 120 रन, 32 रन का हाईएस्ट स्कोर था और 6 विकेट यहाँ पे अपने कैरियर में इन्होंने ले रखे हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अगले बैट्समैन की, जिनका नाम है B. प्रजापति। ठीक है, अब इनकी दोस्तों बात करते हो, तो इन्होंने अब तक 18 मैच खेले हैं अपने कैरियर में, 18 मैच में 280 रन जो है यहाँ पे इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, तो इनको भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड के थ्रू इनको चेक कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको एक एक रिकॉर्ड्स बता दूंगा, ताकि दोस्तों आपको टीम बनाने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आप उस हिसाब से अपने से चाहो तो टीम भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे एस अली की। यहाँ पे अगर दोस्तों एस अली के रिकॉर्ड की बात करें, तो इन्होंने 20 मैच अब तक खेले हैं। कितने मैच खेले हैं गाइस? 20 मैच अब तक खेले हैं, और 20 मैच में और 135 रन का ये स्कोर अब तक इनका टोटल स्कोर रहा है इनके कैरियर में। वहीं अगर बात करते हैं गाइस इनके हाइस्ट स्कोर की, तो 26 रन का स्कोर इनका अब तक का हाइस्ट स्कोर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एच मोहम्मद की बात कर लें। तो दोस्तों, ये अभी जो है ये इनका पहला मैच होगा, तो इसलिए इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका, इसलिए यहाँ पे आपको रिकॉर्ड इनका मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, चलिए तो इनकी बात करते हैं हम यहाँ पे डी टंडन की बात कर लेते हैं। डी टंडन ने अब तक जो अपने कैरियर में पूरे के पूरे 56 मैच खेले हैं अब तक, और 56 मैच में दोस्तों इन्होंने 913 रन अब तक बना चुके हैं। कितने रन? 913 रन अब तक इन्होंने बनाए हुए हैं। वहीं दोस्तों अगर विकेट की बात करते हैं, तो इन्होंने बॉलिंग से भी कमाल किया है और 19 विकेट भी अपने नाम किए हुए हैं। तो आप रिकॉर्ड यहाँ पे इनका हिसाब से देख सकते हो कि 56 मैच खेले हैं और 913 रन अब तक बनाए हैं अपने कैरियर में, और इसके साथ ही 19 विकेट जो है अपने नाम किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे और नीचे आते हैं, यहाँ पे 2 बैट्समैन और हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे इनका और एस मैंडी की बात करें, दोनों तो दोस्तों इनका भी पहला मैच होने जा रहा है, इसलिए इनका दो का रिकॉर्ड यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे ए जबर खेल को यहाँ पे टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं। अब गाइस हम लोग यहाँ बात करते हैं बैट्समैन में, तो बैट्समैन में दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पहले बैट्समैन की, जिसका नाम है S. पुट्टा मोतीलाल। दोस्तों काफी अहम बल्लेबाज है, इनको आप लोग जरूर जरूर टीम में पिक करना। इनके जो दोस्तों रिकॉर्ड रहे अब तक के 8 मैच में कितने रन? 235 रन का स्कोर टोटल इनका रहा है। तो आप लोग इनको टीम में जरूर जरूर आप लोग पिक करके चलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इनको जो है टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अगले बैट्समैन की, जिसका नाम है A. उल्लाह अफगान। दोस्तों अगर हम लोग इनके रिकॉर्ड्स की बात करें, तो क्या जबरदस्त रिकॉर्ड रहा यार इनका, 8 मैच अब तक खेले हैं इन्होंने, 8 मैच में 79 रन जो है अपने कैरियर में बनाए हुए हैं। वही अगर कि दोस्तों इनके हाईएस्ट स्कोर की बात करें, तो इन्होंने 34 रन का स्कोर अब तक का हाईएस्ट स्कोर रहा है। वही अगर दोस्तों विकेट की बात करें, तो 7 विकेट इन्होंने अब तक अपने कैरियर में लिए हुए हैं। तो आप लोग चाहो तो इनको भी ए उल्ला अफगान को सेलेक्ट करके चल सकते हो। ठीक है, तो चलिए हमने इनको टीम में ले लिया है।
अब गाइस हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आई हसन की, बात कर लेते हैं इमरान हसन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इन्होंने अब तक जो है 6 मैच खेले हैं, कितने मैच खेले हैं 6 मैच खेले हैं। इनके नाम जो है दोस्तों 89 रन का जो है अब तक का स्कोर कार्ड रहा हुआ है। वहीं दोस्तों इनके मतलब हाइस्ट स्कोर की बात करें 30 रन का इन्होंने हाइस्ट स्कोर अब तक किया हुआ है, ठीक है। तो इनका भी रिकॉर्ड आप यहां पे चेक कर सकते हो। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं बी ओरिया की, बात कर लेते हैं गाइस। तो बी ओरिया का भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा, क्या जबरदस्त रिकॉर्ड रहा यार इस बंदे का। तो आप लोग चाहे ग्रैंड लीग खेलो चाहे स्मॉल लीग खेलो, आप लोग इनको छोड़ना ही मत। दोस्तों बी ओरिया के नाम पे 51 मैच अब तक इन्होंने खेले हैं, ठीक है। 51 मैच में 1061 रन जो है अब तक इन्होंने बनाए, कितने बनाए गाइस 1061 रन इन्होंने बनाए हैं। और इनके नाम 226 रन का स्कोर नाबाद हाईएस्ट स्कोर इनका रहा है दोस्तों। और इनके नाम अब तक 39 विकेट भी रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कितने अहम बल्लेबाज भाई साहब, ये ओपन करने के लिए भी आ सकते हैं और नंबर 2 पे बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं। इसलिए आप भी ओरिया को किसी भी कीमत पे आप लोग ड्रॉप नहीं करोगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इनको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब गाइस हम लोग यहाँ बात करते हैं एस शंका की, बात करते हैं गाइस एस शंका का रिकॉर्ड आप लोग जान लीजिए। एस शंका के नाम जो रिकॉर्ड रहा है गाइस 33 मैच में 204 रन का रिकॉर्ड इनके नाम रहा है, कितने रन 33 मैच में 204 रन। अब गाइस हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अगले बैट्समैन की, एस टम्परा की बात कर ले गाइस। तो इनके नाम 27 मैच में कितने 27 मैच में 237 रन इनके नाम अब तक रहा है। ये भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग चाहो तो एस टम्परा को आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो अगर ये प्लेइंग 11 में खेलते हैं तो, ठीक है। अब गाइस हम लोग बात करते हैं बी सिंह सहगल की, बात कर लेते हैं गाइस। तो बी सिंह सहगल का रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है दोस्तों। अगर हम लोग इनकी बात करें बी सिंह सहगल के रिकॉर्ड की बात करें गाइस, तो 49 मैच अब तक इन्होंने खेले हैं, कितने मैच खेले हैं 49 मैच खेले हैं और 455 रन इन्होंने अपने कैरियर में बनाए हुए हैं, ठीक है। और इसके साथ ही एक विकेट भी अपने नाम इन्होंने किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं अहमदई की, बात कर लेते हैं अहमदई की बात करें गाइस। 16 मैच में अब तक एक विकेट लिया हुआ है और अभी तक इनका जो रन का स्कोर है कोई खास स्कोर नहीं रहा है। और दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पे एच खालिद को, तो इनका भी पहला मैच होगा। और यहाँ पर थोड़ा और नीचे आते हो तो ए अफरत का भी यहाँ पे पहला मैच यहाँ पे इनका होगा, तो इसलिए इनका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। अब चलते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे ऑलराउंडर की तरफ, तो इनका भी रिकॉर्ड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस जैसे हम लोग यहाँ पे ऑलराउंडर के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे पहले हमारे जो ऑलराउंडर हैं पी पोथरलंका की अगर बात करते हैं गाइस, तो इनका भी रिकॉर्ड काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। इनके कैरियर में दोस्तों अब तक इन्होंने 66 मैच खेले हैं, कितने मैच खेले हैं 66 मैच खेले हैं। अगर इनके बैटिंग रिकॉर्ड की बात करें तो 1206 रन का स्कोर इनके नाम रहा है। वहीं अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें गाइस, तो 119 रन का स्कोर इनका अब तक का हाईएस्ट स्कोर रहा है। इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने 85 विकेट भी अपने नाम किए हुए हैं, कितने विकेट 85 विकेट भी अपने नाम किए हुए हैं दोस्तों। इसलिए काफ़ी अहम बल्लेबाज हो जाते हैं आपके लिए टीम में, चाहे आप लोग चाहे ग्रैंड लीग खेलते हो चाहे स्मॉल लीग खेलते हो, आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो। अब गाइस हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जी सिंह राठौर की, बात कर लेते हैं गाइस। जी सिंह राठौर के नाम भी काफ़ी ज़बरदस्त रिकॉर्ड रहा है, 64 मैच इन्होंने अब तक खेले हैं, कितने मैच खेले हैं 264 मैच अब तक खेले हैं और इन्होंने 889 रन अब तक अपने कैरियर में बना चुके हैं। और यहाँ पे इन्होंने 76 रन का स्कोर हाईएस्ट स्कोर इनका रहा है और वही नवाद पारी खेली थी। और अगर विकेट की बात करते हैं गाइस, तो 85 विकेट ये भी जो है अपने कैरियर में अब तक ले चुके हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी अहम हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों ये टीम के कैप्टन भी हैं एमटीवी के अपने, तो इसलिए काफ़ी अहम बल्लेबाज हो सकते हैं, इनको आप एज अ कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। अब गाइस हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एस सिंह की, सूरज सिंह की बात कर लेते हैं। तो इनका जो रिकॉर्ड रहा है 12 मैच में 6 विकेट इनके नाम रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जेड जाखिल की, बात कर लेते हैं गाइस। तो इनका जो रिकॉर्ड रहा है 14 मैच में गाइस 291 रन का रिकॉर्ड रहा है, 14 मैच में 291 रन। और इनका हाईएस्ट स्कोर की बात करते हैं गाइस, तो 92 रन का स्कोर इनका हाईएस्ट रहा है। और इनकी विकेट की बात करते हैं गाइस, तो इन्होंने अब तक अपने कैरियर में 26 विकेट अपने नाम किए हुए हैं, कितने विकेट गाइस 26 विकेट अपने नाम इन्होंने किए हुए हैं। तो आप लोग चाहो तो जेड जाखिल को भी आप लोग टीम में ले सकते हो, ठीक है। अब गाइस हम लोग यहाँ बात करते हैं एम फारूक अरबजई की, बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग इनके रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो इनका भी रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा है, यानी काफ़ी अच्छा भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। इनके नाम 16 मैच में दोस्तों 403 रन का रिकॉर्ड रहा है, 403 रन अब तक इन्होंने अपने कैरियर में बनाए हुए हैं और 28 विकेट भी अपने नाम इन्होंने अब तक अपने नाम किए हुए हैं।
तो आप लोग इनको भी, एम अफरोज और बजाई को भी आप लोग टीम में सेलेक्ट करके चल सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो तीन बल्लेबाज और यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे दो, इनका भी दोस्तों पहला मैच होगा, इसलिए इनके नाम रिकॉर्ड इनका भी नहीं मिल पाया है। वही अगर दोस्तों हम लोग जकेल की बात करते हैं इनकी, तो 11 मैच में 15 विकेट इनके नाम अब तक रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों बात करते हैं, बॉलर की बात कर लेते हैं। बॉलर भी काफ़ी दोस्तों अच्छे अच्छे यहाँ बॉलर हैं। अगर हम लोग एस सरजात की बात कर लेते हैं गाइस, तो इनके नाम जो है, इनके नाम अब तक गाइस एस सरजात के नाम पे अब तक कितने विकेट रहे हैं दोस्तों, 7 मैच में 5 विकेट इनके नाम रहे हैं, 7 मैच में 5 विकेट इनके नाम अब तक रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग दोस्तों पी सिंह की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो पी सिंह के नाम 25 मैच में 33 विकेट इनके नाम रहे हैं, यानी कि बॉलर ठीक ठाक है। तो आप लोग चाहो तो पी सिंह को टीम में सेलेक्ट करके ले सकते हो। अब गाइस हम लोग बात करते हैं यहाँ पे उज्जवल गढ़ीराजू की बात कर लेते हैं गाइस, ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं आपके पास। तो इन्होंने अब तक 54 मैच खेले हैं, ठीक है, जिसमें से 526 रन इन्होंने बैट से भी बनाए, कितने रन, 526 रन इन्होंने बनाए। इसके साथ ही दोस्तों इनके नाम जो है 84 विकेट इनके नाम जो है रिकॉर्ड रहा है। तो आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हो, अगर प्लेइंग 11 में खेलते तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन आपके लिए रहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं याकूब अली की बात कर लेते हैं, तो याकूब अली ने अब तक 35 मैच खेले हैं, कितने मैच खेले गाइस, 35 मैच खेले हैं, 465 रन भी बनाए हैं गाइस इन्होंने, और इनके नाम अब तक 24 विकेट इनके नाम अब तक रहे हैं। तो आप लोग हर जल्दी जल्दी एक एक गेंदबाज का भी रिकॉर्ड जान लीजिए, ताकि दोस्तों आपको टीम बनाने में कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं यहाँ पे ए अमरखेल की बात कर लेते हैं, तो गाइस इनके नाम 11 मैच खेले हैं अब तक, 11 मैच में 14 रन बनाए हैं और 8 विकेट अपने नाम इन्होंने किए हुए हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एन अमला की बात कर लेते हैं, तो एन अमला का दोस्तों रिकॉर्ड ये रहा है कि 20 मैच में 101 रन बनाया है, इसके साथ ही 7 विकेट भी अपने नाम इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एस हैदर की बात कर लेते हैं, तो 3 मैच खेले हैं, 3 मैच में 6 रन बनाए हैं और इन्होंने 1 विकेट अपने नाम किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, आप जो है गिदिराजू को आप लोग चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप जो है अमरखेल को आप लोग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपको क्या करना है, आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना है। तो कैप्टन एज अ दोस्तों आप जी सिंह राठौर को आप चाहे तो कैप्टन कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने इनको कैप्टन कर रखा है, रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा इनका, और यहाँ पे आप चाहो तो इनको भी आप कैप्टन कर सकते हो, इनका भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पोथर लंका को हम लोग कैप्टन कर लेंगे और जी सिंह राठौर को वाइस कैप्टन करके सेफ टीम पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप चाहो तो माइक कॉन्टेस्ट पे जा करके आप लोग यहाँ पे कोई सा भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि दोस्तों आपको हर समय मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे वीडियो को जल्दी से जल्दी देख करके आप लोग टीम क्रिएट कर पाओ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।